क्या आपने कभी दवाई खरीदते समय यह ध्यान दिया है कि इन दवाओं के पत्तों पर लाल रंग की धारी क्यों बनी होती है? आखिर इस धारी के होने का क्या मतलब होता है और इन पर RX, NRX और SRS क्यों लिखा होता है? आइए हम आपको बताते हैं। दवाओं के स्लिप पर लाल रंग की धारी का मतलब होता है कि यह डॉक्टर के पर्चे के बिना इस दवा को ना ही तो बेचा जा सकता है और ना ही तो इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग की जांच करने के लिए इस दवाओं के पैकेट पर लाल रंग की धारी बना दी जाती है जो इस दवा को अन्य दवाओं से अलग करती है। अगर आप बिना डॉक्टर की परमिशन के ऐसी दवा को इस्तेमाल करते हैं और ख़रीदते हैं तो आपको बहुत से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और RX का अर्थ होता है यह डॉक्टर द्वारा दी गई दवा है और सिर्फ उसी मरीज को दी जा सकती है जिसके लिए डॉक्टर अपने पर्चे पर लिख देता है। और NRX का अर्थ होता है ये दवाई नशीली है और इसे सिर्फ वही बेच सकता है जिसके पास इसे बेचने का लाइसेंस होता है। और XRX एक ऐसी दवा है जो डॉक्टर सीधे मरीज को देता है। मरीज इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकता, चाहे भले ही उसके पास डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा क्यों ना हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।